मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस डेवलपर। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आईक्यू लेवल, हम कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आईक्यू लेवल का बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है और आगे आने के लिए हमारा आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले हमें सोचना होगा और समझना होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को आदमी ने बनाया है, सुपर कंप्यूटर ने आदमी को नहीं बनाया है। तो आपके पास इतना हैवी ब्रेन है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और हमारे पास, ये तो सब जानते हैं कि दो तरह के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में तो आपने हर वीडियो में, अधिकतर वीडियो में सुना ही होगा, लेकिन और भी तरह के माइंड होते हैं, लेफ्ट साइड माइंड एंड राइट साइड माइंड। उसके बारे में सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड माइंड दोनों ही सही तरह से और ठीक तरह से काम करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेफ्ट साइड जहां लॉजिकली सोचता है, लॉजिक पे काम करता है, स्पीकिंग भी काम करता है कि हम कैसे बोलते हैं, उसी वे में राइट साइड माइंड हमारे आर्ट को, क्रिएटिविटी को और हमारे इमोशंस पे काम करता है। तो अगर आप पे क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो आपको सिर्फ राइट साइड माइंड पे ही काम नहीं करना है, लेफ्ट साइड पे भी काम करना है। ये इसलिए ज्यादा जरूरी है, हो सकता है कि आप क्रिएटिव बन जाओ लेकिन अगर आपको सही तरीके से बोलना ही नहीं आता है तो आप क्या करोगे उस क्रिएटिविटी का। तो दोनों ही साइड के माइंड जब सही तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब हम बहुत ही जीनियस बन जाते हैं और हमारा आईक्यू लेवल कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम पढ़ाई करने बैठे, जरूरी नहीं पढ़ाई, कोई भी काम करने बैठे, हो सकता है आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो शांत होके बैठे, दो मिनट अपने माइंड को शांत करें और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर दें। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं हमारा दिमाग अगर डाइवर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से, तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिस कारण हम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते और जो काम हमारा 15 मिनट में होना था उसके लिए 1.5-2 घंटा लग जाता है। इसी तरह से अगर हम एक जगह पे अपने माइंड रख के काम करते हैं तो एग्जैक्टली सही काम होता है और जितना हम चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा हम उसके बारे में सोच पाते हैं या पढ़ाई कर पाते हैं या उसका रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो आज के बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी चीज आपको कर रही है उसको वहां से हटा दीजिए और अपने दिमाग को एक गोल पे लाइए, ताकि जब भी हम एक चीज के बारे में सोचते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के दिमाग अच्छी तरह से काम करते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो मैसेज हमें भेजना होता है, जो सूचना जाने वाली होती है, वो सही तरह से जा पाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि अपने ऊपर विश्वास जरूर रखें और अपनी आईक्यू लेवल को ये पॉइंट समझ कर आगे बढ़े कि आपका आईक्यू लेवल भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक आल्सो। बाय बाय, टेक।